कोटड़ा के डॉक्टर विजय आप्टे माध्यमिक विद्या मंदिर सहित क्षेत्र के विद्यालयों में गुरु नानक जयंती मनाई गई। यहां डॉक्टर विजय आप्टे विद्या मंदिर में प्रभारी मोहनीता राठौड़ द्वारा गुरु नानक जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य खुमान सिंह ग्रासिया लादूराम व रमनलाल पारगी मंचा सिंह रहे। यहाँ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भैया बावनों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य खुमान सिंह ग्रासिया ने गुरु नानक देव के जीवन का परिचय, दार्शनिक विचार व आध्यात्मिकता के बारे में बताया, साथ ही उनके प्रेरणादायक प्रेरक प्रसंग बताकर विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप से आह्वान किया। छोटे समय से ही ऐसे ऐसे कार्य करते उनको देख करके उनके माता पिता संग रह जाते, ऐसा महसूस हुआ कि ये बालक जो है ये सन्यासी हो जाएगा, ये ग्रह त्याग कर देगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा सोच करके कोई 15-16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया था। सुलक्षणी करके उनकी पत्नी थी, उसे दो पुत्र प्राप्ति भी हुई, लेकिन फिर भी सेवा कार्य के प्रति लगे रहे, धर्म कार्य के प्रति लगे रहे, गरीबों की सेवा करना उनका परम कार्य है। एक बार उनके पिताजी ने कुछ पैसा देकर के कुछ सामग्री खरीदने के लिए बाजार भेजा, तो वो सामग्री लेकर के नहीं आए और पैसे भी खर्च करके आ गए, खाली हाथ लौट के आ गए। मैं जो भी जरूरतमंद मिले, भूखे प्यासे व्यक्ति मिले, उनको भोजन करा दिया, साधु संतों को पैसा बांट करके आ गए। 1500 ईस्वी के आसपास जब मुस्लिम आक्रांता बाबर भारत पर आक्रमण किया,